नमस्ते बच्चों। तो आज की क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर फोर्थ की। लेसन नंबर फोर्थ में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको जो टॉपिक दिया हुआ है वो है मोशन इन अ प्लेन विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन फैक्टर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब हमने कंप्लीट कर लिया है। और जब कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के अंदर हम मूव करते हैं तो वही जो न्यूटन्स की तीनों इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वही सारी यूज में आएंगी। बस हमें करना ये है कि सबके अंदर हमें वेक्टर्स लगाने हैं, इन द सेंस कि इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन के साथ ही हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 4.5 देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.5, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो विद वेलोसिटी, टी इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी है वो है 5i कैप मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दे दी इसने, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन। जो आपको एक्सिलरेशन की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसने पूछा है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। पहला क्वेश्चन, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है जबकि आपको जो एक्स दिया हुआ वो दिया हुआ 84 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड, ओके तो ये y, x पार्टिकल y पार्टिकल क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो हम न्यूटन की सेकंड इक्वेशन की हम यहाँ बात करेंगे, न्यूटन की हम सेकंड इक्वेशन की यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट, स्टेप बाय स्टेप चलना, इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना, पहले ही बता रही हूँ, वीडियो जूम कर लेना, ठीक है। वी नो दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो यू की वैल्यू हमको पता है, टी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ पर बुक में आपको आर दे रखा है लेकिन आप इसे एस से भी कर सकते हैं। यू कितना है, 5i कैप, ठीक है। टी कितना है, हाफ ए कितना है, प्लस 2j कैप टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, डर तो नहीं गया धमाके से, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, जो आई वाली चीज है उसको अलग कर लो, आई वाले फैक्टर्स को हम अलग कर लेंगे और जे वाले फैक्टर्स को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर आई कैप वाली चीज देखनी है कि आई कैप वाली चीज क्या है, 5t प्लस 3/2 t² i कैप, है ना, एक तो आई ये रहा और एक आई ये रहा, इसको अलग कर लिया, प्लस टी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, टी स्क्वायर जे कैप, यही हो रहा है, आई का फैक्टर अलग कर लिया और जे का फैक्टर हमने अलग कर लिया। अब जो फैक्टराइजेशन हमने कर ली है उसमें आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे कि एक्स टी ये है 5t प्लस 1.5 t² वाई टी टी स्क्वायर है। अब आप जानते हो एक्स को, यह लिखोगे सिंस एक्स टी इज इक्वल टू 84, तो फिर यहाँ पे लिखिए वैल्यू 1.5 t² + 5t - 84 = 0, यही इक्वेशन बनेगी। यहां से अब हम क्या करेंगे, आप लोगों का काम बढ़ रहा है थोड़ा सा, आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे पूरा, जानते ही हो सॉल्व करने की काफी सारे मेथड है। तो यहां से टी की वैल्यू आएगी 6 सेकेंड, टी की 6 सेकेंड आगे इसको वाई टी के अंदर पुट करो,
36 मीटर। ये लो जी, आपका जो वाई फैक्टर था वो आ गया। अब हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, समझा रही हूँ, करना आपको ये। ये तो पूरा ए के लिए था, अब बी के लिए देखिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वी इज इक्वल टू डिस्टेंस एस है यहाँ पर, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी, एस की वैल्यू कितनी है 5t + 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। सॉल्व करो इसको, यहां तो आया 5, यहां पर कितना आया 3/2 × 2t, ये पूरा आई कैप हुआ प्लस 2t, ये हुआ जे कैप। तो 5 + 3t आई कैप प्लस 2t जे कैप। टी इज इक्वल टू कितना टाइम दे रखा है, टी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, टी इज इक्वल टू 6 दे रखा है। बताओ हमने तो लेकिन टी इज इक्वल टू 6 निकाला है, और इसने खुद ने अपनी कोई भी स्पीड, स्पीड के अंदर कोई भी टाइम इसने अपना, तो हम टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख देंगे 6, 5 + 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप कितना हुआ 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ओके, तो अब वी टी कैसे निकलेगा ये ना, बस बेटा इसको अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व तो कर सकते हो, यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड के अंदर। तो अब समझ में आ गया आपको, फॉर्मूले वही है लेकिन इनको क्या है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, डायरेक्शन इनके अंदर लगा दी गई है। अगली हेडिंग है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ज्यादा कोई चेंज नहीं है, देखिए वी ए बी क्या हुआ करता था, वी ए माइनस बी बी, वी बी ए क्या होगा बी बी माइनस वी ए, यदि इसमें से माइनस को बाहर निकाल दूं तो वी ए माइनस बी बी हो जाएगा। अब बताइए बी बी ए माइनस के वी ए भी हो रहा है, और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें तभी यही तो आएगा, मैग्नीट्यूड में माइनस की कोई भी जगह नहीं होती है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में तो यही आएगा। तो आप लिखिए इसके अंदर पहले इन टू डायमेंशन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड ऑलवेज बी सेम, और ये पूरा नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4.6 देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 4.6। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड। ए वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट मतलब इधर 12 मीटर पर सेकेंड। What is the direction in which she should hold her umbrella? ये देखिए umbrella, या तो वो इस direction में hold करेगी या वो इस direction में hold करेगी। दो ही direction होती है, हम umbrella को दो ही direction में hold कर सकते हैं, या तो हम इसके आगे या फिर हम उसके पीछे। लेकिन इस condition में ये खुद आगे जा रही है, इसलिए umbrella को पीछे की side hold करेगी। ठीक है, जब ये खुद इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, एक डायरेक्शन में ना करके ये इसको इस डायरेक्शन में होल्ड करेगी। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात समझने की है कि जो डायरेक्शन हो गई है वुमन की वो कैसी हो गई है, ऑपोजिट। इधर से हमको इधर नोट करना पड़ेगा, इसको माइनस वी डब्ल्यू लेना पड़ेगा। अब देखो दो डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है और ये तीसरी वी आर डब्ल्यू कैसी होगी, अपोजिट। ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है, दो डायरेक्शन सेम और तीसरी अपोजिट, तो ये जो दोनों होगी वी आर प्लस वी डब्ल्यू की इक्वल होगी। वी आर प्लस वी डब्ल्यू देखो इस टाइप से हमें इसका आंसर निकालना होगा। तो आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर बताइए मुझे। क्या होगा इसका आंसर, वी आर 35 माइनस 12 23 मीटर पर सेकेंड। जो है अम्ब्रेला को इसको इस तरीके से होल्ड करके चलना पड़ेगा, तब इसको क्या कि जो पानी की बौछारें हैं वो नहीं आएंगी। और अब इसने पूछी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कि ये जो थीटा है ये पूछा है, तो हम थीटा हमेशा कैसे निकालते, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने क्या होती है, ये परपेंडिकुलर बी डब्ल्यू और बेस, तो देखो इसके सामने जो है वो हाइपोटेनियस है, ये क्या हो गई बेस, नहीं थोड़ी छोटी सी गलती हुई है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि अपन लिखा तो सही है, ये है बेस। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी आर, ये वी डब्ल्यू और वी आर। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, बस इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए। नेगेटिव वैल्यू तो आपको लेनी ही नहीं है, नेगेटिव नहीं लेंगे हम वैल्यू इसको, तो यहाँ पे आएगा 12/35। अब यदि एग्जाम में इसका आपसे आंसर निकलवाना होगा उसको, तो 12/35 में 10 इनवर्स की वैल्यू इसने आपको दे रखी होगी। और आप जानते भी हैं कि किधर से एंगल बन रहा है, अगर आपको लिखना पड़े कि किधर से एंगल बनना है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होता है ना, ओके तो यहां से बन रहा है तो लिखोगे साउथ, फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। ध्यान रहे इन चीजों का, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भर भर के आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और आते भी खूब है, नोट कर लो। अब ऐसा नहीं है आपको बुक में से देख के इसका आंसर बता दे 19 डिग्री, नहीं। यदि एग्जामिनर को आंसर चाहिए तो वो खुद अपनी रीडिंग को लिख के देगा सबसे पहले आपको। अगर ये एग्जाम्स में भी आ जाता तो आप ऐसे छोड़ के आ जाना, एक सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा। अगली हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं आपके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा जो आपका एग्जाम ले और इस क्वेश्चन को ना दे अगर इस चैप्टर का एग्जाम है तो, ठीक है। तो चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहली बात की प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो मैं आपको डीपली समझा दूं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब एक तरीके से ऐसा मोशन होता है कि ये कोई सरफेस है, ओके, इस सरफेस के ऊपर आप बॉल को फेंक रहे हो, ऊंचाई में फेंक रहे हो, तो बॉल ऐसा कर्व बनाते हुए नीचे आएगी। बताओ कर्व देखो इस टाइप से बनाएगी या नहीं बनाएगी, आप मुझे बताना कि मैं सही हूं क्या। देखो इस टाइप से कर्व बनाएगी, यहां से एंगल बनेगा थीटा, और जो इनकी टेंजेंट होती है, जो इसकी टेंजेंट होती है, यार ये बनी नहीं रहा, रुक जाओ एक सेकंड, देखिए जो ये टेंजेंट है उसकी ये डायरेक्शन को बताती है किस दिशा में जा रही है, vx है और ये vy है। यदि हम इस डायरेक्शन के अंदर इसकी टेंजेंट ले तो ये vx हुई और ये हुई इसकी vy, ये तो ओरिजिन है ही। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करोगे इसको, आवाज को इग्नोर मार देना भाई, जैसा कि आप हर बार करते हो। आप भी कहोगे मैम आप तो समय सीमा और पेशेंस की बहुत एग्जाम ले लेती हो हमारे, ठीक है। तो थ्योरी के लिए आप एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि मैं इस बुक में से थ्योरी ना लिखा कर आपके लिए दूसरी बुक में अरेंज करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं दे रखी है। टॉपिक भरा ही दे रखा है लेकिन थ्योरी अच्छी नहीं है। मतलब पर्सनली मैं एनसीईआरटी बुक्स को पसंद नहीं करती, इसके टॉपिक्स बहुत पसंद है, मुझे बुक्स नहीं पसंद। लिखिए, when an object is thrown up, in vertical plane at an angle with horizontal with some initial velocity, then after being thrown up, the object executes motion under the effect of gravitation of earth। Then this sort of motion is called projectile motion। Next heading डाल दीजिए इसी के अंदर है, path of projectile। ये तरीके से इसकी इक्वेशन बताएंगे हम इसके अंदर कि प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन क्या है, या फिर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ब्रैकेट में लिख लो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो ध्यान रखो कि जितने भी वेलोसिटी हैं ये सब आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको यू दी हुई है ना कि वी। वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं लेकिन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ही हम यूज में लेंगे। एंगल क्या बन रहा है, थीटा, और ये है यू, तो यहां पर ध्यान रखना है यू एक्स इज इक्वल टू होगा यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू होगा यू साइन थीटा, और एक्सीलरेशन चूंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो हो जाएगा माइनस जी। अब सबसे पहले आप पूरा का पूरा सिस्टम बनाइए और उतार लीजिए इसको।
अब थोड़ा क्लियर दिखाई देगा आपको, नोट कीजिए इसको फटाफट से। अब देखो, सबसे पहले आप क्या जानते हो? फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन देखो, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होगा। एक्स एक्स लगा दिया। अब ध्यान रखने वाली चीज, एक्स टी तो ठीक है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा टी। अब बताइए, जो ग्रेविटेशनल मोशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो कभी ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, बॉल को फेंक रहे तभी उसमें आता है? नहीं ना, ऊपर से नीचे आप जब किसी चीज को फेंकते हो तभी आपको वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये इतना ही रहेगा ये इक्वेशन आपकी, ठीक है। एक्स टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इन वाई डायरेक्शन, वाई टी इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई टी को ऐसे कैसे रहने दो, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो ए की वैल्यू कितनी है, जी है, ए वाई है ये माइनस जी, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी की वैल्यू निकालो, एक्स टी, या तो एक्स टी लिख दो या फिर एक्स ही लिख दो सिर्फ, यदि कंफ्यूजन होता है ना तो आप, ठीक है। ये पता है क्यों हटाया, कहीं इधर उधर से आपने ब्रैकेट को हटा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुट करो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। वाई इज इक्वल टू यू से यू कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो एक्स 10 थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये यहां पर यू स्क्वायर का यू स्क्वायर, ये है इसका ट्रेजेक्ट्री पाथ, या फिर हम कहें प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ पाथ, या फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, कुछ भी कहना चाहो ये इक्वेशन है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कहीं भी और वैलिड नहीं होगी, तो नोट कर लीजिए इसको। अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने 15% पार्ट पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी इसके अंदर। नोट कर लीजिए, ओके। तो अब देखिए अपन चार इक्वेशन कैसे क्या निकालनी है हमको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इधर इधर वाला पार्ट चेंज होगा, ठीक है। लिखिए फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन,
लिख लीजिए फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद ये दोनों चीजें वापस उतार लीजिए। फॉर्मुलेशन के बाद ये चीजें वापस उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा शोर आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं, अब ये मकान बनने का काम चल रहा है ना, तो इसमें तो बोलते ही हैं लोग। अब देखिए पहला, इसके अंदर आपको चार चीज निकालनी है, कौन कौन सी निकालनी है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। सेकेंड नंबर पे हम निकालेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो हम एक काम करें, हमने उल्टा लिख दिया ये। सबसे पहले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। ठीक है, सी पॉइंट, सी होगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच एम। और फोर्थ में हम निकालेंगे रेंज, कि ये वर्टिकल हाइट है और ये हॉरिजॉन्टल हाइट है, ध्यान रखना। ठीक है, रेंज मैक्सिमम हाइट का मतलब कितना ऊंचा जाएगा और रेंज का मतलब कितना दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ये चार चीज हमको निकालनी है, चारों चीजों को नोट करो और फर्स्ट सेटिंग डाल देना टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। पहली चीज होगी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट टी एम। इसे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसके लिए, तो हम देखते हैं। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन पता है, यहां क्या लिखोगे, वी नो दैट। अब मेरे को बताओ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट y डायरेक्शन में निकलेगा या x डायरेक्शन में निकलेगा। भाई मैक्सिमम हाइट तो यहां पर होती है, y डायरेक्शन हो गई है, तो y डायरेक्शन में निकलेगा। तो जो फॉर्मूला इसका होता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां क्या हो जाएगा, वी वाई यू वाई ए वाई, यही होगा ना y डायरेक्शन में। अब बताओ मैक्सिमम हाइट जब होती है, तो इतना तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब मैक्सिमम हाइट पर कोई वस्तु होती है तो उस टाइम पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होती है, जीरो। क्या लिखोगे, फोर मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, तो देखिए जीरो इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। आवाज आ रही है बारिश की बेटा, बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, जी टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी एम कितना हुआ, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये लो जी आपकी पहली इक्वेशन कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। हम जब तक गेट खोल के देख लेते हैं, वाओ बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। बंदरों की आवाज सुनाई देगी अभी आपको। ओके, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हो गया, सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अगर मैं वर्बली आपको समझाऊं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये होता है कि हवा में जो बॉल है वो कितनी देर रही, मतलब कि यहां से मैंने फेंका और यहां पर आने में उसे कितना समय लगा। तो जितना समय ऊंचाई पे जाने में लग रहा है उतना ही समय नीचे आने पे लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होना चाहिए टू इंटू टी एम, टी एफ इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब बेटा ये जो होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको कराने के अलग अलग तरीके हैं। सीबीएसई में इसको अलग तरीके से करवाया जाता है, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट लेके। कुछ टीचर्स आरबीएससी में भी इसको इसी तरीके से कराते हैं, तो हर किसी का तरीका अलग अलग है। तो आंसर सबका
सेम आएगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ ये कोई इशू नहीं होना चाहिए कि मैम आपने इसको इस तरीके से करा दिया। मुझे ये तरीका बहुत इजी लगता है और ऐसा लगता है इजी टू लर्निंग है, आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हो। ऐसे छोटे छोटे से बच्चे तो हुआ, अभी से टफ चीजें सीख के क्या करोगे। मुकाम एक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता हम जितना इजी वे में कर पाए उतना कर सकते हैं, बाकी जिंदगी तो कठिन है ही, ठीक है। तो मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैंने करा दिया है ये। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ये होता क्या है, टाइम टेकन इन थ्रोइंग अप, टाइम टेकन इन थ्रोइंग अप द ऑब्जेक्ट, इन थ्रोइंग अप द ऑब्जेक्ट एंड कमिंग बैक, एंड कमिंग बैक टू द सेम प्लेन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इसको नोट कर लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, नोट दिस। थर्ड है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए इक्वेशन सेकंड आपको पता है क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा हाइट वाई में ही लेनी है तो ये एस वाई यू वाई ए वाई, यहां पर टी एम और यहां पर भी टी एम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर टाइम भी मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वाला टाइम भी लेना पड़ेगा हमको, तो ये हमने टी एम लिया है। एस वाई को हम लिख देंगे एच एम, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, टी एम कितना था यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, क्योंकि ए वाई क्या है माइनस जी, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी से ये एक बार कट गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। बताइए बेटा कॉमन क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन आया बाहर निकाल दिया और ये बचा, तो एच एम कितना हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो ये हमने मैक्सिमम हाइट निकाली है, तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। And at the last, we are talking about range, R. Formula क्या होता है? Distance is equal to velocity and time. Distance यहाँ पे R. ये क्या लोगे? Ux. और ये होगा TF. क्योंकि ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, तो TF लेना पड़ेगा। R is equal to Ux कितना होता है U cos theta, TF कितना होता है 2U sin theta upon G, ठीक है। I hope आपको आवाजें कम आ रही होंगी अब बरसात की, ठीक है। मैंने गेट तो बंद कर दिया है, 2 ये हो गया U square sin theta cos theta upon G। अब यहाँ फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना है, sin 2 theta is equal to होता है 2 sin theta cos theta, तो R कितना हुआ U square upon G sin 2 theta। सबसे पहले नोट करो इसको रेंज को, लगभग कंप्लीट है, बस 5% काम और रह गया है इस टॉपिक के अंदर, चैप्टर तो अभी है।
लिखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स लोकल टाइम, सॉरी टोटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखिए फॉर मैक्सिमम रेंज, ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है ना, थोड़ा सा रह गया बस। फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होता है, थीटा जो होता है वो 45 होता है। यदि इसको 45 के एंगल से फेंका जाए तो जो ये डिस्टेंस है कवर करेगा, बहुत ज्यादा कवर करेगा, 2 × 45, तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो ये हो गया आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ये डायरेक्टली एक नंबर पूछा जा सकता है कि रेंज अपने को ज्यादा चाहिए क्या मैक्सिमम, तो थीटा कितना होना चाहिए, तो थीटा होना चाहिए 45। इसको नोट कीजिए फटाफट। आई विश 10 मिनट के अंदर अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, करना आपको ये, ठीक है, हम बस छोटी मोटी इसकी चीजें बताएंगे आपको। एग्जाम्पल पहले 4.8 पढ़िए, क्या कह रहा है, ए हाइपर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव। हाइट कितनी रखी है 490 मीटर, ठीक है, अबव ग्राउंड एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड दी हुई है और जो भी वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंक रहा है ना, इसलिए 15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिंग द एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब टी एफ पूछ रहा है वो आपसे। एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, और जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी है वो भी आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी अपर साइड को। देखो अब आप बताओ बुक के जैसा करना पसंद करोगे या अपने तरीके से। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको बुक के तरीके से करा देती हूँ, क्योंकि यदि स्कूल में इस तरीके से करा दिया, मैंने अलग तरीके से करा दिया, तो डेरिवेशन तो हम कर लेंगे लेकिन न्यूमेरिकल वो पता चले टीचर ने गलत कर दिया कि नहीं ये नहीं, इसको इस तरीके से करना है। तो देखिए, तो जैसा हम कंपोनेंट लेते थे s इज इक्वल टू क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन की यदि बात करूं मैं तो ये होगा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ये होगा। अब इसके अंदर क्या चीज है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये वाला, मैं आपको पहले बता चुकी थी, ये क्या होता है जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या बचा, यू एक्स टी, अपने पास क्या बचा है, x इज इक्वल टू यू एक्स टी। अब अपने पास यू एक्स है क्या, कुछ इसमें दे रखा है क्या, यू नहीं, टाइम दे रखा है क्या इसने, टाइम भी नहीं है अपने पास, लेकिन हम टाइम निकाल सकते हैं इनिशियल काम में। इनिशियल के अंदर हम टाइम क्या निकालेंगे वो अब अपने को देखना है, ठीक है, और सब, और उसके बाद हम देखते हैं वाई वाली चीज कि वाई कितनी है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, यदि हम वाई के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यू वाई टी माइनस हाफ या फिर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन हो गई। अब यहां पर आपके पास क्या क्या जीरो है, एक तो यू नॉट वाई जीरो है आपके पास, है ना, ऊपर जो फेंका गया है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, देखो जो हाइट दे रखी है वो 490 है टोटल, ठीक है, तो 490 इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, माइनस हाफ, ये कितना है जी, जी की वैल्यू क्या लेंगे, 10 या 9.8, बताओ 10 लेनी है 9.8, इसने दी हुई है क्या जी की वैल्यू, देख लो जी की वैल्यू इसने हमको नहीं दी हुई है,
नहीं दी हुई है तो 9.8 ही हमको लेनी है। ठीक है, अब यहाँ जो माइनस लगाया है उसका क्या करें, माइनस का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल माइनस का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हम इम्पैक्ट को पढ़ने नहीं देंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, माइनस का इम्पैक्ट हम कम पढ़ने देंगे। रीजन, क्योंकि जब ये चीज ऊपर जा रही है, ऊपर फेंका था, लेकिन हाइट और टाइम हमें नीचे आने का निकालना है, टाइम हमें नीचे आने का निकालना है, इसलिए जो डिस्टेंस आपने लिया वो भी हमको नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी। ओके, तो माइनस की समस्या खत्म। यहां से इसको सॉल्व कीजिए, 490 इंटू 2 अपॉन 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर कितना आएगा बताओ, सॉल्व कर लो। लो जी 4.9 आ रहा है, तो 4.9 आ रहा है, तो इसमें जीरो, इस पॉइंट को हटा के जीरो ऊपर लगा दो, कितने टाइम कट गया, ये 100 टाइम्स कट गया। टी कितना आ गया, 10 सेकंड। टी कितना आ गया, 10 सेकंड। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, अपने पास टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है। अब हमें यूएक्स और यूवाई चाहिए, तो यूएक्स तो हमको पहले दे रखा है, ये 15 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है ना, तो वाई नहीं है, यू ही है। यूएक्स दे रखा है, अपने को निकालना है यूवाई। अब यूवाई कैसे निकालोगे बताओ, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, टी आ गया ना, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस एटी। वी वाई कितना है निकालना है, यू वाई कितना है जीरो, ए कितना है माइनस 9.8 और टाइम कितना है 10। ठीक है, तो वी वाई कितना आया, 98 आया एक तरीके से, तो कितना आया 98, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर फेंकते हुए जा रहे हो या नीचे फेंकते हुए आ रहे हो, सारी कंडीशन उल्टी कर रहे हैं ना इस कंडीशन में, तो बताओ इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर फेंकते हुए आएंगे इसमें फिर नीचे। बिल्कुल बेटा, इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे जब लेके आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही लाएंगे, तो ये आएगा 98 मीटर पर सेकंड, माइनस है इसमें, तो टोटल वी कितनी हुई, वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। अब आप इसको मीटर, इसको सॉल्व कीजिएगा, मीटर पर सेकंड इसके अंदर लगा दीजिएगा एज अ यूनिट। 4.9 बहुत इजी है, इसको कर लो आप कंप्लीट। मैं जब तक आपके लिए मार्कर में इंक भर लेती हूँ, अगर वैसे पता चला आपको दिखाई कुछ दे ही नहीं रहा है। और जो हमारे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो प्लीज 4.9 पढ़ लीजिए। हो गया हमारा काम भी। एग्जाम्पल नंबर 4.9, इसको करने में मजा आएगा आपको, 4.9 को ऐसा लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप एट द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, यू कितना दिया हुआ 28 मीटर पर सेकंड, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ओके, अबव द हॉरिजॉन्टल, ओके, फिर दिया हुआ कैलकुलेट फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, बी दिया हुआ है कि जहां से फेंका था वहीं पर बॉल आ जाए, थर्ड है आर, ये तीनों चीज हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एचएम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जी जब कुछ नहीं दे रखा है ना, देख लो, अगर जी कुछ नहीं दे रखा है तो 9.8 रखना है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जी की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, वैल्यू पुट कर सकते हो, यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, टी एफ 2u साइन थीटा अपॉन जी, बिल्कुल यू है, थीटा है, सब कुछ है, फिर है आर, आर कितना है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा।
अब एक चीज ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा को कैसे सॉल्व करोगे आप। साइन 30 का स्क्वायर है ये, ठीक है ये तो, और जो आपको साइन 2 थीटा दिया हुआ है ये जब इसके अंदर आप 30 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 60। दोनों चीजें अलग अलग है, मैंने इसलिए समझा दिया आपको, ठीक है नोट कर दो। आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन जो किसी एक पाथ में एक रेडियस पे मूव करता हो वो कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो इसके बारे में आप पहले लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड the motion of the object is called uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, वी जो होती है, कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। वी होती है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। यदि इसकी रेडियस को मैं आर मानू, कोई भी आर मान सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है। आगे बस समझ में कि ओमेगा तो ये वाली वेलोसिटी है और वी जो यहां से यहां तक जो वेलोसिटी चलती है वो होती है लीनियर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है वो टेंड्स टू सेंटर लगता है। यहां मैं लिख देती हूं, अभी आप आगे लिख दो, इट डायरेक्शन इज टेंड्स टू सेंटर, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब यदि यहां पर आपको पुट करना पड़ जाए आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक फॉर्मूला तो इसका ये है, और एक क्या बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा उतार लो एक बार, ठीक है। अब इसके बाद एक दो फॉर्मूले और देख लो कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा,
इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2π/ω, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ये आपको बाद में काम आएगी, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू होती है 1/T इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। बस इन चीजों को आप इन फॉर्मूले को याद रख लो, ज्यादातर काम नहीं आएंगे ये वाले फॉर्मूले, लेकिन आपको आगे आने वाली जो चैप्टर्स है उसके अंदर ये फॉर्मूले आपके बहुत बहुत काम में आएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आपके आज की लास्ट, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है 4.10। और यदि आप चाहते हो कि इनके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनकी वीडियोज भी इसमें ऐड की जाए, तो आप पहले मेहनत करके दिखाओ और हमें कमेंट करना। यदि व्यूज ज्यादा होते हैं, कमेंट्स की मांग हो रही है इसके अंदर, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की भी वीडियो बना लूंगी। वैसे मैंने सोचा तो है बनाने के लिए लास्ट में, है ना। एन इंसेक्ट ट्रैप इन अ सर्कुलर ग्रुप्स ऑफ रेडियस 12 cm। ओके, कंप्लीट 7 revolution in 10 seconds, 7 revolution in 10 seconds। तो टाइम पीरियड कितना आया, 100/7 seconds, 7 revolution in 100 seconds। तो 100/7 करना है अपने को, ठीक है। और यदि एक रिवॉल्यूशन हो तो अपने 1 revolution का टाइम पीरियड निकालना है अपने को कैसे भी करके। तो यदि ये 107 का दे रखा है तो एक का निकालने के लिए 7 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, बी लीनियर स्पीड वी, थर्ड क्या पूछा है एक्सीलरेशन, ठीक है, बस यही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 2π/T, 2×22/7 और ये टी कितना है 107, 7 से 7 कट गया, 0.44 radian per second, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बी बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर कितना है 12, ओमेगा कितना 0.44, ये जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, आप चाहो तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लेना। और फिर जो थर्ड है एसी, वो क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है 0.44 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 12, सॉल्व कीजिएगा। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। यूनिट जरूर से जरूर लगाइएगा इसके अंदर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगी इसकी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लोगों तक पहुंचाइए और आप सबसे पहले खुद मेहनत कीजिए काफी अच्छे तरीके से।